फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक अल्टरनेट मेडिसिन की, जिसमें कि जरूरत किसी और मेडिसिन की है लेकिन वो मिल नहीं पा रही है। बात कर रहे हैं एस्पिडोस्पर्मा की। एस्पिडोस्पर्मा लंग के कंजेशन को कम करती है, शरीर में ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, जो कि कोरोना पेशेंट के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। जिसको भी दिक्कत है ऑक्सीजन लेवल कम होने का, तो जितने भी उपाय कर रहे हैं वो करें, उसके साथ साथ एस्पिडोस्पर्मा क्यू का भी उपयोग कर सकते हैं। एस्पिडोस्पर्मा लंग के कंजेशन को कम करता है और कंजेशन कम होगा तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अपने आप बॉडी में बढ़ेगा। अनफॉर्चुनेटली मार्केट में एस्पिडोस्पर्मा की क्राइसिस है और मिल नहीं पा रही है, तो उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? तो देखिए, अगर आपको एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर मिले तो 20 बूंद आधा कप पानी में डाल के 3 बार लें। अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं मिलती है तो क्या कर सकते हैं आप? तो एक वीजल कंपनी है, वो बनाती है वीजल मिक्सचर करके, और इस वीजल मिक्सचर में एस्पिडोस्पर्मा है। तो वीजल मिक्सचर में एस्पिडोस्पर्मा है, आप इसका यूज करेंगे तो कुछ हेल्प तो हो ही सकती है। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं वीजल मिक्सचर की, जो वीजल कंपनी बनाती है। अब इसमें एस्पिडोस्पर्मा है, एस्पिडोस्पर्मा के साथ साथ इसमें है ब्रानियाल्बा, इपिकैक, सैम्बुकस नाइग्रा, सेनेगा, जस्टिसिया क्यू, एस्पिडोस्पर्मा क्यू और आयोडम 3X और हाइड्रेस्टिस क्यू। तो इतनी मेडिसिन मिली है इसमें, इसमें एस्पिडोस्पर्मा भी है। तो इस तरह से आप प्योर अगर एस्पिडोस्पर्मा मिले तो यूज करें, अगर वो नहीं मिल पा रही है तब तक इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं आप। अगर इसके स्फेयर ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो हेल्प टू रिड्यूस ए कफ विथ रैटलिंग ऑफ म्यूकस इन द चेस्ट। चेस्ट में जब रैटलिंग होने लगे, रैटलिंग मतलब आवाज आने लगे, खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी, इतना ज्यादा कफ भर गया हो तो रैटलिंग ऑफ म्यूकस हो, और रिड्यूस द बॉयलेंट बाउट ऑफ कफ, जो कफ बहुत तेज आता है उसको भी रिड्यूस करता है, और एक्सपेक्टोरेंट एंड हेल्प इन इवैक्यूएटिंग फ्लेगम, जो कफ है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। कफ को बाहर निकालेगा तो ऑक्सीजन अपने आप बॉडी में ज्यादा अमाउंट में एंटर करेगा। तो कफ एसोसिएटेड विद पल्मोनरी कंजेशन न्यूमोनिया, तो अगर ऐसी दिक्कत है तो इससे निजात दिलाता है वीजल मिक्सचर। तो आप वीजल मिक्सचर को यूज करें, तब तक यूज करें जब तक कि आपको प्योर एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर न मिल जाए। तो नथिंग इज बेटर देन समथिंग। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका सिंपल सा है कि आप 1 कप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 1 ढक्कन एस्पिडोस्पर्मा डालिए। एस्पिडोस्पर्मा तो है नहीं तो वीजल मिक्सचर डालिए। तो वीजल मिक्सचर का 1 ढक्कन 1 कप गुनगुने पानी में डाल दीजिए और पेशेंट को बोलिए कि 1-1 घूंट पिए, तो उसका जो कफ है वो भी कम होगा, और कफ कम होने के साथ साथ जो म्यूकस है वो कम होगा। तो इस तरह से कुछ तो हेल्प हो सकती है। तो इस तरह से ये जानकारी आप दूसरों को भी शेयर करें ताकि कुछ लोगों की हेल्प हो सके, हम लोग जितना कर सकते हैं। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू। बात समझ में आई तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।